भारत में स्थापित सर्वप्रथम उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित किए गए और कब कब स्थापित किए गए। आइए, एक एक बिंदु आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहला है साथियों आपके सामने, वो है लोहा उद्योग। देखिएगा, आपको पूछा जाए कि भारत में प्रथम लोहा इस्पात उद्योग का कारखाना कहाँ पर खोला गया, तो याद रखिएगा कुलटी पश्चिम बंगाल में, और कब, तो याद रखिए 1874 में। केवल दो दो बातें खास होती है। आपको डायरेक्ट पूछेगा भारत का प्रथम लोहा इस्पात उद्योग कहाँ पर, तो कुलटी पश्चिम बंगाल, और कब, तो 1874 में। दूसरी बात देखिए, आपको पूछा जाए प्रथम सूती वस्त्र मिल भारत में कहाँ स्थापित की गई, तो याद रखिएगा फोर्ट ग्लास्टर स्थान है आपके कहाँ पर, पश्चिम बंगाल, और कब स्थापित, तो 1818 में, और ये असफल रहा था। यहां पर दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपको पूछा जाए कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहां पर की गई, तो पश्चिम बंगाल में। दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत का प्रथम असफल सूती वस्त्र उद्योग कारखाना कहां पर स्थापित किया गया, तो फोर्ट ग्लास्टर पश्चिम बंगाल। तो प्रथम लोहा इस्पात उद्योग भी पश्चिम बंगाल, कुलटी स्थान याद रखिएगा, और प्रथम सूती वस्त्र मिल भी पश्चिम बंगाल में, स्थान है फोर्ट ग्लास्टर। चलिए अगली बात, तीसरा है आपके भारत में प्रथम जूट कारखाना कहां पर स्थापित किया गया, तो याद रखिएगा रिसरा कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल, और कब स्थापित किया गया, तो 1855 में। तीन कारखाने आपके सामने हैं, तीनों ही पश्चिम बंगाल में। पूछा जाए प्रथम लोहा इस्पात उद्योग, प्रथम सूती वस्त्र मिल, और आपको पूछा जाए प्रथम जूट कारखाना कब और कहां पर। अगली बातें देखिए, आपको पूछा जाए भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना कहां पर स्थापित है, तो याद रखिएगा रानीपेट। कहां पर स्थापित है, रानीपेट, और ये स्थान कहां पर है, तो याद रखिएगा चेन्नई में, और स्थापित कब है, तो याद रखिएगा 1904 में। कब स्थापित किया गया, 1904 में। प्रथम लोहा इस्पात उद्योग, प्रथम सूती वस्त्र उद्योग, प्रथम जूट कारखाना, और प्रथम सीमेंट कारखाना। आइए अगली बात, आपको पूछा जाए कि प्रथम सफल सूती वस्त्र मिल, देखिएगा यहां पर है प्रथम सूती वस्त्र मिल जो असफल थी 1818 वाली, तो ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार बनता है कि प्रथम सफल सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहां पर की गई, बंबई में, और कब की गई थी, 1854 के अंदर, और किनके द्वारा, तो कवास जी डावर द्वारा, याद रखिएगा किनके द्वारा स्थापित की गई, कवास जी डावर द्वारा, जो क्या रही थी सफल। बाकी आपको यहां से पूछा जाए प्रथम सूती वस्त्र मिल, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। प्रथम असफल सूती वस्त्र मिल पश्चिम बंगाल, भारत में स्थापित प्रथम सफल सूती वस्त्र मिल, तो याद रखिएगा बंबई। क्लियर। आइए नेक्स्ट, आपको पूछा जाए प्रथम दिया सलाई उद्योग कहां पर स्थापित किया गया, तो वडोदरा गुजरात के अंदर, और कब स्थापित किया गया, तो 1923 में। एक और विशेष उद्योग, प्रथम ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना कहां पर हुई, तो याद रखिए कानपुर यूपी में, और कब हुई थी, तो 1876 में। बहुत इंपॉर्टेंट है भारत में कौन सा उद्योग सर्वप्रथम कहां और कब स्थापित किया गया। कॉपी के अंदर इसी प्रकार से नोट करके भी लिखना है आपको, प्रथम लोहा इस्पात उद्योग, प्रथम सूती वस्त्र, प्रथम जूट कारखाना, प्रथम सीमेंट कारखाना, प्रथम सफल सूती वस्त्र मिल, प्रथम दिया सलाई उद्योग, और प्रथम ऊनी वस्त्र मिल। इसके अलावा भी हैं कुछ, वो देखिए। अब आपके सामने हैं लोहा इस्पात उद्योग के संयंत्र और कारखाने, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है उद्योग वो है आपके लोहा उद्योग। कौन सा है, लोहा उद्योग। अब इसमें देखिए कुछ बातें तो है आपके आजादी के बाद की और कुछ है आजादी के पहले की। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं आजादी के पहले स्थापित उद्योग। एक तो आपके सामने है इस्को, एक है आपके सामने टिस्को, और एक है विस्को। ये तीनों ही ऐसे उद्योग हैं जो आजादी से पहले स्थापित हुए हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले विस्को, विस्को का फुल फॉर्म क्या है, तो आप सभी जानते हैं विश्वेश्वरैया आर्यन एवं इस्पात कॉरपोरेशन। ये विस्को कहाँ पर स्थापित है, तो भद्रावती कर्नाटक, और कब स्थापित हुआ, तो 1923 में। इसी प्रकार है टिस्को, टाटा आयरन
एवं इस्पात कॉरपोरेशन, ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो याद रखिए जमशेदपुर झारखंड में, और कब स्थापित किया गया? तो 1907 में। तीसरा है इसको इंडियन आयरन एवं इस्पात कॉरपोरेशन, ये कहाँ पर स्थापित? तो बर्नपुर पश्चिम बंगाल, और कब? तो 1918। ये 1918 है, ये 1907 है, ये 1923 है। आप देख पा रहे हैं तीनों ही वे उद्योग हैं, वे संयंत्र हैं जिनकी स्थापना आज़ादी से पहले हुई है। तो इसको, टिस्को, और याद रखिएगा विस्को, कहाँ कहाँ पर स्थापित है और कब कब? इसको है पश्चिम बंगाल में 1918, टिस्को है जमशेदपुर झारखंड में 1907, और विस्को स्थापित है आपके भद्रावती कर्नाटक 1923। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, वो आपके सामने ये चार लोहा इस्पात उद्योग संयंत्र है, देखिएगा कौन कौन सा। ये है आपके आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद एक है, याद रखिएगा भिलाई इस्पात उद्योग। भिलाई कहाँ पर है? तो याद रखिए छत्तीसगढ़ में। स्थापित कब है? तो 1956 में, और किसके सहयोग से है? याद रखिएगा रूस। यहाँ पर तीन प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, भिलाई इस्पात उद्योग कहाँ पर, कब और किसके सहयोग से, क्लियर। दूसरा है राउरकेला इस्पात उद्योग कहाँ पर है? उड़ीसा में। कब है? 1959 में, और सहयोग किसका है? याद रखिएगा जर्मनी का। तीसरा जो स्थापित है वो है दुर्गापुर इस्पात उद्योग पश्चिम बंगाल में। कब है? 1962 में, और सहयोग किसका है? याद रखिएगा ब्रिटेन। ये जो भिलाई, राउरकेला और ये जो दुर्गापुर है, ये तीनों वे लोहा इस्पात उद्योग संयंत्र है जिनकी स्थापना पंचवर्षीय योजना के तहत रखी गई थी। आपको कमेंट करके ये जरूर बताना है कि भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर जो इस्पात उद्योग हैं, इनकी स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, यह आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो तीन तो ये हैं जो एक साथ पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित है, वो कौन सी है वो कमेंट करके बताइए। इसके अलावा एक अलग है जो उस पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं था, वो है बोकारो इस्पात उद्योग। और बोकारो इस्पात उद्योग कहाँ पर है? तो याद रखिए झारखंड में। कब स्थापित है? तो 1974 में, और किसके सहयोग से है? तो याद रखिएगा रूस के सहयोग से। चारों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, बोकारो झारखंड। ये कब है, ये कब है, ये कब है, ये कब है, और ये किस किस के सहयोग से है, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, याद रखिएगा ये चारों, बाकी ये तीन। तो आज की जो हमारी चर्चा थी वो प्रमुख रूप से तो इन सभी के कारखानों पर थी कि भारत में सर्वप्रथम स्थापित जो उद्योग हैं वो कहाँ पर हुए और कब हुए। मिलेंगे इसी प्रकार के एक और नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।